रोहतास में दिव्यांग दिवस के अवसर पर रोहतास जिले के नोखा प्रखंड में कार्यक्रम किया गया, जिसमें दिव्यांगों के बीच में बैटरी साइकिल का वितरण किया गया, जिसमें नोखा बुनियाद केंद्र के पदाधिकारी मौजूद थे, सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर सिंह मौजूद थे, रोहतास जिला के कई प्रखंडों से दिव्यांग लोग भी मौजूद थे। इस वक्त देख रहे हैं 9 न्यूज टीवी नेटवर्क खबर। इस वक्त हम नोखा प्रखंड मुख्यालय पर बुनियाद केंद्र के कैंपस में मौजूद हूँ। आपको बता दें तैयार जिले के पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर बुनियाद केंद्र में दिव्यांगों को ट्रायल यानी बैटरी साइकिल का वितरण किया जा रहा है। हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर साइकिल का वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे नोखा के पश्चिमी के पूर्व जिला पार्षद रविशंकर सिंह मौजूद हैं। मैं आपको बता दें कि यहाँ पर दिव्यांग लोगों को ट्रायल साइकिल यानी बैटरी का साइकिल का वितरण किया जा रहा है। नोखा से मंटू कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे रखा था, और जिसमें डीपीएम महोदय मेरे द्वारा और विद्वान जी जो यहाँ के प्रबंधक है उनके द्वारा काफ़ी अच्छा रंगीन कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि गीत गायन हुआ एवं चित्रकला की भी प्रतियोगिता की गई और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस भी दिए गए। साथ में जो नई स्कीम्स आई हैं और जो चल रही हैं स्कीम्स दिव्यांगजनों के लिए उसके बारे में जानकारी की गई। साथ में बैटरी चलित ट्राईसाइकिल जो कि दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है वो भी आज वितरण की जा रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है अगम श्रीवास्तव, सहायक निदेशक जिला दिव्यांग।